क्वेश्चन जैसे दिख रहा है आपको, राव भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है, यानी राव भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए दो नंबर क्वेश्चन, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है धनबाद में, या आपका धनबाद से, या आपका चेन्नई से, या आपका क्या हो जाएगा कोटा से, या आपका मतलब कोरबा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कोरबा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ, इन चार ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीन नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कर्नाटक में जो है हुबली सूती वस्त्र कारखाना यानी अवस्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का, ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित कहां है, यानी उड़ीसा में जो सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है यह कहां पे स्थित है, भुवनेश्वर में, पुरी में, या आपका कटक, या आपका चिल्का में। तो बताइए इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो आपका भुवनेश्वर में जो है, इसका उड़ीसा में, सॉरी उड़ीसा में जो स्थित है कहां है, यानी भुवनेश्वर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा का राजधानी कहां है आपको पता होगा भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी कब, 1947, 1951, 1991 और 2010। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1991। बात करते क्वेश्चन नंबर सिक्स का, इनमें से कौन औद्योगिक जिला है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, पुणे जिला है, या भोपाल, या आपका कानपुर, या आपका उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा, इनमें से यानी कौन औद्योगिकरण यानी जिला है, तो इसका आंसर जो जाएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्या देखिएगा, सेवन नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में, आपका केरल में है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर आना चाहिए। सात नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो हो जाएगा, बिल्कुल बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा सात का। ठीक है, सात का क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहां है, बिहार में अपना। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर एट का, राष्ट्रीय महासागर मतलब महामार्ग टू है, यानी ये जो है दिल्ली अमृतसर, या आपका दिल्ली कोलकाता, या पटना पुणे, आपका पटना दरभंगा। तो आठ नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते क्वेश्चन नंबर नाइन नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक मतलब भूगोल का वर्णन नहीं करता है, सका मतलब समकालांतरात्मक अनुशासन, या आपका मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, या आपका द्विधता पर आश्रित, या आपका प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। तो आपका आंसर बताना है, नौ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, समाकलनात्मक अनुशासन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते क्वेश्चन नंबर दस का, प्रकृति और मानव के बीच मतलब पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, बुद्धिमत्ता है, तकनीक है, या आपका समझबूझ, या आपका भाईचारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दस नंबर का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तकनीक विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, स्थलाकृति, मिट्टी, या आपका प्राकृतिक वनस्पति, या आपका जलवायु। तो बताना 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्थलाकृति, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते 12 नंबर क्वेश्चन का, किस वर्ष विश्व के मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है, 1785, 1975, 1830, या 1999। तो बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1999। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 13 का, निम्नलिखित में से किस संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को मतलब निम्न किया है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, या पुरुषों के उच्च मतलब उच्च जन्म दर, या आपका स्त्रियों के निम्न जन्म दर, या आपका स्त्रियों का उच्च प्रवास। उत्तर मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या चयनित प्रवास। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 14 का, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देशों में मानव विकास का स्तर HD यानी ग्रेड एन 0.8 है। तो बताइए 32, या आपका 88, या आपका 57, या 10। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 57। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 15 का, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से आपको बताइए होगा, 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मिस्र है, और सबसे ज्यादा जो है किसका है, नॉर्वे का है। आपको बता दें सबसे ज्यादा नॉर्वे का है, और हमारा अपना भारत का जो स्थान है कहां है, कितना में है आपको बताना है। कृषि निर्धारित में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ था होता है, यानी कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है, तो भूमि का, वर्षा का, मिट्टी का, या आपका रासायनिक खाद उपयोग का। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा, वर्षा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए, धान, जूट, गेहूं, कपास। तो आंसर क्या हो जाएगा,
17 का ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गेहूं के लिए जो बहुत यानी बुआई के समय कम तापमान चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है, जूट, चाय, गन्ना या आपका कपास। तो आंसर क्या हो जाएगा 18 का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चाय विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए प्रयुक्त है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जल परिवहन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नगर को जोड़ता है पोर्ट सईद से या आपका कोलोन से या आपका होनालुलु से या आपका लाल सागर से। तो बताइए इसका 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोलोन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबी झील जलमार्ग कौन सा है, स्वेज जलमार्ग या डेनव्यू जलमार्ग या आपका वोल्का जलमार्ग या आपका ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो बताइए इसका आंसर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, पल्ली, प्रकीर्ण या आपका गुच्छित या आपका इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुच्छित पाए जाते हैं। जल अभाव क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, यानी गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। रेडियो के किस क्षेत्र में पाया जाता है, यानी रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, रेडियर जो है टुंडा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मसाई क्या है, एक कृषि उपज है या एक जनजाति है या एक चिकित्सक या एक मरुभूमि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक मतलब जनजाति है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 6 से 0 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। तो 25 का आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्न है, जम्मू कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो जानते हैं आप लोग, यानी जम्मू कश्मीर या होगा या झारखंड या अरुणाचल प्रदेश या बिहार। तो 26 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे ज्यादा है अपना बिहार का, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या आपका बिहार या आपका केरल। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर जो है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गंगा मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है, विरल हो जाएगा, अर्ध विरल हो जाएगा, सघन हो जाएगा, अर्ध सघन हो जाएगा। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सघन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिचय है, मतलब परिचित ग्रामीण बस्तियां की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, गंगा और जलोर मैदान या आपका हिमाचली हिमालय की निचली घाटियां या आपका राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश या उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियां। तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गंगा और जलोर मैदान। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 30 का, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ऐसी एक विशेष नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर या आपका नगर पालिका मतलब निगम का होना या आपका 75% से अधिक जनसंख्या मतलब क्या होगा प्राथमिक खंड में संग्रहण होना या आपका जनसंख्या आकार 50,000 व्यक्तियों से अधिक, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संग्रहण होना। चलिए बात करते खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, अक्टूबर से मार्च या आपका अप्रैल से जून या सितंबर से जनवरी, आपका जनवरी से जून से सितंबर। तो 31 का बताना है आपको, 31 में जो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जून से सितंबर। चलिए बात करते हैं घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है, 2000, 4000 या आपका 3000 या 5000। तो आंसर क्या हो जाएगा 32 का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4000। चलिए बात कर दें क्वेश्चन नंबर 33 का, निम्नलिखित में से नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है, सिंधु होगा, गंगा होगा या ब्रह्मपुत्र होगा या आपका गोदावरी होगा। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 34 का, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, झारखंड में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो भारत में सर्वाधिक जो सोना जो पाया जाता है किस राज्य में पाया जाता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार से उद्योग मतलब संबंधित है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है, कुटीर उद्योग से या आपका उपभोक्ता से या आपका वृत्त से या आपका प्राथमिक से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपभोक्ता से। तो आपको 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से आपको कितना देना है, यानी 35 का ही देना, लेकिन हम कुछ और कवर कर लेते हैं। बृहस्रोतीकरण सहायक है,
दक्षता सुधारने में या आपका कीमतों की घटाने में या आपका विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में या इनमें से सभी? तो 36 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। प्रदेश मतलब प्रदेशीय नियोजन का संबंध किससे है? आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास या आपका परिवहन जल एवं तंत्र क्षेत्र अंतर में क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम या ग्रामीण क्षेत्र का विकास। तो इसका आंसर बताना आपको 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलाबद्ध पतोसराय है। तो बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलाबद्ध पतोसराय है, तो आपको बताइए होगा 38 का आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल विशाखापट्टनम यानी क्या है, स्थलाबद्ध पतोसराय है। तो आप लोग जानते हैं पतोसराय में जो बंदरगाह में जो होता है, जैसे अगर यहाँ नदी है तो ये थोड़ा सा चल करके आगे जाना पड़ता है, इस टाइप का इसी को पतोसराय बोलते हैं। ठीक है, ये जैसे मान लो ये नदी है ठीक है, और ये जो होता है आपका यानी यहाँ ये किनारा है, तो इस टाइप का कुछ बना रहता है ताकि आदमी यहाँ से जाकर चल करके, ताकि यहाँ बड़े पानी पे जहाज अगर लगा रहता है तो यहाँ जाकर के चढ़ता है पानी जहाज। ठीक है, तो पानी जहाज के इस रास्ते को ही पतोसराय बोलते हैं। चार चीज तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये सारे है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? ब्रह्मपुत्र मतलब सदियोदुबी या आपका गंगा हल्दिया इलाहाबाद या आपका पश्चिमी तट पर नहर कोटा मतलब कोटापुरम से कुल्लम या इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा हल्दिया इलाहाबाद। चलिए बात करते हैं भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है कहां पर? स्थल और समुद्र द्वारा, स्थल और वायु द्वारा, या समुद्र और वायु द्वारा, या समुद्र द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र और वायु द्वारा भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार जो वहन करता है यानी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र और वायु द्वारा करता है। चलिए बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन का, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, या इनमें से सभी होता है? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन यानी किस राज्य में होता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया होता है, भारत में सबसे अधिक जो चीनी उत्पादन जो होता है किस राज्य में होता है? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा चीनी कहां होता है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर आपका जो है सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपको डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही कलेक्ट किया गया था, जो आपके एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप लोग एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो चलिए गाइस यहीं तक आज का वीडियो को हम इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, टेलीग्राम जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, साथ में एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए।